केन्या के जंगलों में पानी जीवन है। ये वो अमृत है जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन पिछले करीब 2 महीने से बारिश नहीं हुई है। यहाँ बहादुर माओं के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। इनके बेशकीमती परिवारों का जिंदा रहना अब निर्भर है बारिश का पीछा करने पर। आइए देखें चेजिंग द रेन्स। नॉर्दर्न केन्या सूखे के प्रभावों को महसूस कर रहा है। इवासो नीरो नदी रेत के एक सांप जैसी दिख रही है। ये गुजर रही है बंजर मैदानों के बीच से होकर। लोगों और जंगली जानवरों को दोनों को ही जमीन से पानी की आखिरी बूंद खींचने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी होगी। ज्यादातर हाथियों के झुंड जो सांबोरू में नजर आते हैं बारिश के बाद कब के जा चुके हैं। वो ऐसे पोखर और झरने ढूंढ रहे हैं जो नदी की सूखती तली से दूर हैं। लेकिन कुछ परिवारों ने यहीं रहकर हालात का सामना करने का फैसला किया है। इस झुंड को यहाँ की रिसर्च टीम ने नाम दिया है द आर्टिस्ट्स। ये पूरा साल सांबोरू में रहते हैं और नदी की सूखी तली से बेशकीमती पानी को बाहर निकालने के सबसे अच्छे तरीके जानते हैं। हाथियों की सूंघने की ताकत कमाल की होती है और वो जानते हैं कि पानी के लिए उन्हें कहाँ खोदना है। ये मैच्योर फीमेल एक अनुभवी माँ है और खोदकर पानी निकालने में माहिर है। जब ये अपनी प्यास बुझा लेती है तो इसका बच्चा भी कोशिश करता है, लेकिन माँ इसे ऐसा करने नहीं देती। अनाड़ी बच्चे रेत को वापस गड्ढे में डाल देते हैं।
ये जरूरी है कि पानी को ज्यादा से ज्यादा साफ रखा जाए। ये वक्त मुश्किलों वाला है। अभी और कई महीने बारिश नहीं होने वाली। आर्टिस्ट्स और यहाँ रहने वाले सभी जीवों का पूरा इम्तिहान होगा। यहाँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत पानी बचा है उससे ये झुंड तरोताजा कर देने वाला मड बाथ लेते हैं। ये मड बाथ इनके शरीर को ठंडा करने और धूप से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। सूखा अपनी जकड़ को और कसता जा रहा है और ये मड बाथ शायद इनके लिए आखिरी हो। सांबुरु के 320 किलोमीटर दक्षिण में कभी हरे भरे रहे नाबोइशो के घास के मैदान अब पीले पड़ चुके हैं। यहां भी बारिश अब एक बीती याद बनकर रह गई है, जिसकी वजह से जानवर दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं। चीता माँ कुलेटा और उसके चार बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये किसी एक जगह टिके नहीं रह सकते। इसे शिकार बनने वाले सही जीवों की तलाश में आगे बढ़ना होगा। नन्हे बच्चे चल चल के थक चुके हैं। अब वक्त है आराम करने का। लेकिन छाया वाली ये जगह तो पहले से ही किसी और के कब्जे में है। और वर्वेट मंकीज की ये फैमिली अब फंस गई है। वर्वेट्स बंदर चीता की खुराक में शामिल नहीं है, लेकिन एक बच्चा बंदर का शिकार करने के लालच को रोक नहीं पा रहा। इस बच्चे को प्रैक्टिस ने परफेक्ट बना दिया है। अब इसके लिए पेड़ों पर चढ़ना एक आम बात हो गई है। नाबोइशो के 160 किलोमीटर उत्तर में लाइकीपिया के ऊंचाई वाले मैदान मौजूद हैं। यहाँ इवासो नीरो नदी में अब भी पानी मौजूद है। ये इलाका एक खास फैमिली के लिए आशियाना बना हुआ है। वाइल्ड डॉग मैट्रियार्क फीनिक्स अपने झुंड को बुलाती है। इसके चार महीने के बच्चे अब मांद से बाहर आ चुके हैं और पूरी तरह से परिवार का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन खेलने के लिए वक्त नहीं है। लाइकीपिया में बारिश हुई है, लेकिन ये कोई खास नहीं थी। शिकार बनने वाले जानवर कम हैं, तो अब फिर से बारिश का पीछा करने का समय है।
लेकिन भरपूर शिकार वाले इलाके इवासो नदी की दूसरी तरफ मौजूद हैं। इस नदी को पार करना आसान लगता है, लेकिन डॉग्स घबराए हुए हैं और इसकी वजह भी है। इनके कई रिश्तेदार इलाके को लेकर जज्बाती हिप्पोस और भूखे मगरमच्छों के शिकार बन चुके हैं, लेकिन इनके पीछे तो और भी बड़ा खतरा मौजूद है। ये हैं हाइनास, जो डॉग्स के जबरदस्त दुश्मन हैं। जमीन सूख रही है और शिकार बनने वाले घटते जा रहे हैं, तो हाइना का झुंड लगातार कुत्तों के झुंड का पीछा करता रहता है। उनके मारे शिकार को चुराता है और उनके बच्चों को वो पोषण नहीं मिलने देता जिसकी उन्हें जरूरत है। अब हिचकिचाने का समय नहीं है। फीनिक्स को अपने बच्चों और पीछा कर रहे हाइनास के बीच ज्यादा से ज्यादा दूरी बनानी होगी। हर बच्चे को बड़े ध्यान से नदी के पार ले जाया जाता है। जंगली कुत्ते अपने किसी भी सदस्य को पीछे छोड़कर नहीं जाते। अगर बबून्स और हाथियों दोनों को इस बेहद मुश्किल वक्त में जिंदा रहना है, तो अपने अनुभव और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना होगा। कोलेटा लगातार खुराक की खोज में लगी रहती है और वो शेरों के इलाके में दाखिल होती जा रही है, लेकिन इसे ये जोखिम उठाना होगा। शिकार बनने वाले सारे जीव इसी जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। जहां तक बच्चों का सवाल है, उनकी क्लास हमेशा जारी रहती है। यहाँ थॉमसन्स गज़ेल्स कोलेटा के पसंदीदा शिकार हैं। चीता बड़ी तेजी से रफ्तार हासिल करता है। ये 3 सेकंड से भी कम में 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच जाता है। लेकिन इन्हें सरप्राइज एलिमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। कोलेटा का भेद खुल गया है, तो अब इसे अगले शिकार के लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी होगी। बच्चों को आज मांस नसीब नहीं होने वाला। ये 4 महीने के हो गए हैं और अब माँ का दूध नहीं पीते हैं, लेकिन अब भी कभी कभी वो ऐसा जरूर करते हैं। इस तरह दूध पीने से माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन दूध से अब इन बच्चों का गुजारा ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। कोलेटा को अपनी फैमिली के लिए किसी भी हालत में खुराक जुटानी ही होगी। फीनिक्स
फेलिक्स और उसका झुंड अब नदी को पार करने वाली जगह से 30 किलोमीटर दूर है। अब ये झाड़ झंखाड़ वाले पहाड़ी हिस्से लोइसाबा में पहुंच गए हैं, जो नॉर्थ में और आगे मौजूद बंजर और धूल भरे इलाके के मुकाबले किसी जन्नत से कम नहीं। फिलहाल हाइनास कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन पहाड़ियों पर बारिश बड़ी जबरदस्त हुई थी, तो यहाँ अब भी काफी पानी है और शिकार करने के लिए सैकड़ों वर्ग किलोमीटर वाला शानदार इलाका भी। जंगली कुत्तों का झुंड शिकार की तलाश में रोजाना 20 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करता है, और इन्हीं यात्राओं के दौरान बच्चे शिकार से जुड़ी महारतें सीखते हैं। सेहतमंद अडल्ट ज़ीब्रा काफी बड़ा है और इसे ये मार नहीं सकते, तो ये बच्चे अपनी दूरी बनाए रखते हैं। ये है ओरिक्स का एक जोड़ा, और अब वक्त है एक और अहम सबक सीखने का। अडल्ट्स बड़ी तेज रफ्तार पर इन्हें टेस्ट करते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे खतरनाक शिकार का सामना किया जाता है। ओरिक्स की पीठ झाड़ियों की तरफ है और ये जोरदार ढंग से अपना बचाव करते हैं। इनके बेहद नुकीले सींग बड़ी आसानी से किसी भी कुत्ते को घायल कर सकते हैं। बच्चों को जल्दी ही पता चल जाता है कि इससे आसान शिकार भी मौजूद हैं। डिगडिग और इम्पाला हिरण आकार में छोटे होते हैं और उनके पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं होता, और इस तरह के इलाकों में ये जैसे हर झाड़ी में छिपे हुए मिल जाते हैं। यहाँ इतना ज्यादा शिकार है कि एडल्ट्स को पीछा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बस अपने शिकार के कोई गलती करने का इंतजार करते हैं। इन्हें जल्द से जल्द अपनी खुराक को खाना होगा, क्योंकि हाइना का झुंड तेजी से इनकी तरफ आ रहा है। सांबूरू इलाके में ये कहा जाता है कि जब आप खुद अपना पानी लेकर चलते हैं, तभी हर बूंद की कीमत समझते हैं। और ये ऐसा वक्त है जिसे कोई बच्चा कभी नहीं भूलेगा। का मौसम शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं और पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया है। कई
साल में सूखे का इतना भयंकर दौर शायद नहीं देखा गया और बारिश होने में अभी भी कम से कम 2 महीने बाकी हैं, तो ये इलाका सचमुच बहुत मुश्किलें झेल रहा है। इवासो के उत्तर में मौजूद खुश्क इलाके में जमीन में बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ रही हैं। यहाँ न चरने के लिए कुछ है, न चारागाह है और ना ही पानी है। हर चीज धूल में बदल गई है। मवेशी पालने वाले और उनके जानवर जंगली जानवरों के साथ साथ नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे हालात में लड़ाइयां भी हो सकती हैं। यहां तक कि हाथियों को भी पानी वाली जगह पर हजारों बकरियों, मवेशियों और ऊंटों के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जो अब पानी के आसपास इकट्ठा है। आर्टिस्ट्स जैसी फैमिलीज को भी मजबूरन यहां से जाना पड़ रहा है और अब वो सुरक्षित इलाकों से बाहर वाली खतरनाक सरजमीन में जाने को मजबूर हैं। हाथियों के ये छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्यासे हैं। 2 साल के किसी बच्चे को रोजाना 10 लीटर से ज्यादा दूध चाहिए। माएं अपने बच्चों को दूध पीने से नहीं रोक सकती, लेकिन जैसे जैसे संसाधन घट रहे हैं, बच्चों को दूध पिलाते रहने की उनकी काबिलियत भी घटती जा रही है। आर्टिस्ट्स अब आगे बढ़ रहे हैं और वो इवासो नीरो नदी को पीछे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। रिजर्व से बाहर वाले हिस्से में तो संसाधनों के लिए और भी जबरदस्त मुकाबला हो रहा है और ऐसे हालात में जाने भी जा सकती हैं। इधर नाबोइशो में कुलटा के लिए हालात उम्मीद जगा रहे हैं। लंबी घास इसे छिपने की जगह देती है, जिससे हमला करने की दूरी घट जाती है। शिकार बाल बाल बच गया। लेकिन कुलेटा इस मां के पीछे नहीं है। बच्चा अब भी यहां है और घास में छिपा हुआ है। बच्चे में बिल्कुल भी गंध नहीं है और किसी चीता को ये एक चट्टान जैसा लगेगा, बशर्ते ये बच्चा एकदम शांत बैठा रहे। बच्चे की मां कुलटा को उससे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुलटा को 4 बच्चों का पेट भरना है, तो उसका ध्यान आसानी से नहीं भटकने वाला। फिलहाल लुका छिपी का खेल चल रहा है और दांव काफी ऊंचे हैं।
आखिरकार बच्चा मिल जाता है। ये बच्चों को आवाज लगाकर बुला लेती है। ये उसकी फैमिली के लिए शिकार करना सीखने का एक मौका है। ये सब आपको बेरहमी भरा लग सकता है, लेकिन अगर बच्चों को बड़े होने तक जिंदा रहना है तो उन्हें ये सीखना होगा कि किसी जिंदा शिकार को कैसे हैंडल किया जाता है। पहले बच्चे शिकार को खाएंगे। ये खुराक कुछ खास नहीं है और कुलेटा के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचता, लेकिन हालात अब शायद बदलने वाले हैं। गजेल फीमेल आगे की तरफ बढ़ती है। इसे आगे बढ़ा रही है माँ की ममता। शाम के वक्त शिकार करने पर दूसरे शिकारियों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होने का खतरा रहता है, लेकिन कुलेटा को खुराक की जबरदस्त जरूरत है। बच्चे गजेल के शिकार को छोड़कर कुलेटा की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी यह हरकत खतरनाक है। नाबोइशों के इस हिस्से में छिपने की जगह बहुत कम है और इन आवाजों की तरफ किसी का ध्यान गया है। फीनिक्स और उसके झुंड को ज्यादा संख्या का फायदा मिल सकता है, लेकिन शाम ढलने पर उनके लिए भी शिकार करना जोखिम भरा होगा। आज शाम झुंड बट गया है। फीनिक्स इम्पाला की तलाश में मुख्य फॉर्मेशन की अगुवाई कर रही है, जबकि एक सदस्य 5 बच्चों की निगरानी में जुटा है। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत से सदस्य होते हैं, इसलिए बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, बशर्ते निगरानी करने वाले का ध्यान भटक ना जाए। यहाँ एक स्क्रब हेयर दिखाई दिया है और बच्चों की निगरानी करने वाला खुद उसका पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन अब 5 बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है और ये पास से गुजरते किसी भी शिकारी का शिकार बन सकते हैं। और यहाँ शिकारियों की कोई कमी नहीं है। इस पहाड़ी के किनारे से जरा सा आगे फीनिक्स और मुख्य झुंड ने एक इम्पाला को मार गिराया है, लेकिन हाइनास भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने पिंजर को चुरा लिया है और अब एक झगड़ा शुरू हो गया है। डॉग्स बिना लड़े अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देना चाहते।
इनकी संख्या हाइना से ज्यादा तो है, लेकिन वजन आधे से भी कम। तो ज्यादा करीब आने पर इन्हें गंभीर चोट लग सकती है। चट्टानी किनारे से आगे बच्चे फिर से निगरानी करने वाले सदस्य से आ मिलते हैं, लेकिन वो इन्हें सीधा झगड़े की तरफ ले जा रहा है। अब इस लड़ाई में 10 हाइनास शामिल हो चुके हैं। अब झुंड की तादाद भी कम हो गई है और ताकत भी। साथ ही ये बच्चे झगड़े की जिद में आगे आ गए हैं। तो ऐसे में लौट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लेकिन फीनिक्स एक आखिरी हमले से खुद को रोक नहीं पाती। का पलड़ा उस इलाके में भारी हो गया है जहां हाल ही में फीनिक्स का दबदबा था। तो अब इस झुंड को नदी के दूसरी तरफ लौटना होगा। नाबोईशो में ये सुबह ठंडी भी है और शांत भी। झुंड का मेल अपने अधिकार को जता रहा है। कोलेटा सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। इसकी आवाज एक बड़े बदलाव को जता रही है। कोलेटा का एक बच्चा गायब है। बाकी बच्चे कोलेटा का इशारा समझ जाते हैं। इनका भाई शायद यहीं कहीं होगा। माँ की खोज शाम ढलने तक जारी रहती है और अगले 2 दिन तक भी सुबह से ही वो फिर अपने बच्चे को खोजना शुरू कर देती है। ये घूमकर फिर उसी जगह आ जाती है जहां आखिरी बार इसका गुमशुदा बच्चा मौजूद था। बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन कोलेटा का दिमाग एक ही तरफ लगा हुआ है। वो फिर से अपना सफर शुरू करती है और हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि गायब बच्चे को शेरों ने मार डाला है।
बाकी बचे बच्चों को तेजी से बड़ा होना होगा अगर वो अपना हश्र अपने भाई जैसा नहीं चाहते हैं तो। कुलेटा को अब अपनी खोज को खत्म करके बच्चों के लिए खुराक का इंतजाम करने पर ध्यान लगाना होगा। आर्टिस्ट अब सांबुरू के सुरक्षित इलाके से कई किलोमीटर दूर हैं और ये अपने बच्चों के साथ खतरनाक इलाके में आने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन बच्चों को ये सीखना होगा कि उन्हें खुराक यहाँ भी मिल सकती है। झुलसती घास के सूखे ढेरों को धूल से बाहर निकाला जा सकता है। और एक आखिरी जरिए के तौर पर अकेशिया के पेड़ों से भी पोषण मिल सकता है। ये खुराक कुछ खास अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाथियों के सख्त मुंह, बेहद सूखी पत्तियों और सबसे नुकीले कांटों का भी सामना कर सकते हैं। अब तो डूम पाम्स भी सूखने शुरू हो गए हैं और इनके फल इतने झुलस गए हैं कि बबून्स के लिए भी उन्हें खाना मुमकिन नहीं। लेकिन हाथियों के साथ ऐसा नहीं है। एक मैच्योर बुल ने इन फलों को इकट्ठा करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ये इस्तेमाल करता है अपनी जबरदस्त ताकत। रहा है कि ये फल फीमेल्स को देकर वो उनसे मिलन का अधिकार हासिल कर लेगा, लेकिन सूखे का असर सभी हाथी महसूस कर रहे हैं। कोई भी फीमेल सीजन में नहीं है, तो इसके लिए हालात उपयुक्त नहीं हैं। इतने सूखे वाली स्थितियों में मीटिंग नहीं हो पाएगी। आखिरकार कुलेटा शेरों के इलाके से दूर चली गई है और अब ये एक कम जाने पहचाने इलाके में है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और दम घुटने वाली नमी भी है। यहाँ पर शेर नहीं है, लेकिन हिरणों की तादाद काफी है। पर जब से इसने अपना बच्चा गंवाया है, कुलेटा जैसे शिकार के लिए निकल ही नहीं पाती। इसके बच्चों को कुछ भी खाए कई दिन हो गए हैं, तो इसे फिर से अपना फोकस हासिल करना होगा। नमी बढ़ती जा रही है और शायद इससे इसमें दोबारा से नई जान पड़ रही है। ये हैं मेल थॉम्सन्स गजेल्स, पर ये आसान टारगेट नहीं है।
कुलेटा का दमखम फिर से लौट आया है। और इस बार पूरे परिवार के लिए भरपेट खाने का इंतजाम हो गया है। यहाँ जबरदस्त नमी होने की वजह से आज थोड़ी बहुत बारिश हुई है, जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बारिश का मौसम अब भी कई महीने दूर है। कुलेटा को आगे कई सारी चुनौतियों का सामना करना है ताकि उसकी छोटी सी फैमिली सुरक्षित रह सके। लेकिन एक सदस्य को गंवाने के बाद माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया है। ये आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फीनिक्स और उसके झुंड की जिंदगी जैसे एक चक्र पूरा कर चुकी है। ये हाइना झुंड के हाथों अपना इलाका गंवाने के बाद इवासो के पूर्व में मौजूद मैदानों में शिकार कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ शिकार बनने वाले जानवर गिने चुने ही हैं और पानी भी नहीं है। फीनिक्स झुंड को इकट्ठा करती है। इन्हें आज शाम ही शिकार करना होगा। है इम्पाला का एक झुंड। एक यंग फीमेल को छांटा है और इनके और शिकार के बीच की दूरी तेजी से घटती जा रही है। झुंड किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो नदी को पार करने का फैसला नहीं करता। बच्चों के लिए ये एक और अहम सबक है। कभी कभी यहाँ मौजूद खतरों के प्रति एहतियात बरतना बेहतर होता है। इसके अलावा मौसम में हो रहा बदलाव भी शायद इनकी किस्मत जगा देगा। अब भी सूखे का मौसम आधा ही बीता है, लेकिन ऊंचाई वाले लाइकीपिया में कभी कभार बेमौसम की बरसात हो जाती है। अगर जरा से भी बारिश हो तो भी उसके बादलों का पीछा करना बनता है। और इसके फायदे धारा में नीचे काफी दूर तक पहुंच रहे हैं। पानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन यकीनन सांबुरू में पहुंच रहा है। बहुत धीमी रफ्तार से ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है।
ये कुओं को भर देता है और इस तपती हुई नदी की तली में फिर से जीवन को बहाल कर देता है। जानते हैं कि पानी आ रहा है, ये फिर से वापस लौट जाते हैं अपने घर की तरफ ताकि नदी के साथ फिर से आनंद से भरा मिलन हो सके। आने पर हाथी अपनी खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाते और नदी के किनारे पर अपने कर्तव्य दिखाने लगते हैं। और उनकी फैमिलीज को अब मवेशी चराने वालों और खाना बदोशों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अब हर किसी के लिए पर्याप्त पानी है। लेकिन कोई हाथी सिर्फ पानी के बल पर ही जिंदा नहीं रह सकता। इस इलाके में फिर से जान डालने के लिए बिन मौसम की इस एक बरसात से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। लेकिन सूखे का मौसम खत्म होने में अभी कम से कम 6 हफ्ते बाकी हैं, तो सूखा अभी विदा नहीं लेने वाला।